हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजकीय बांगर महाविद्यालय सहित पाली शहर के सभी महाविद्यालय का चुनाव परिणाम कड़ी सुरक्षा में मतगणना के पश्चात घोषित कर दिया गया। बांगर महाविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जहां चारों पदों पर NSUI ने एक बार फिर परचम लहराया है, तो वहीं राजकीय बालिका महाविद्यालय में अध्यक्ष पद को छोड़ शेष तीनों पदों पर NSUI ने जीत दर्ज कर 5 साल बाद इस कॉलेज में परचम लहराया है। बालिका महाविद्यालय में ABVP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीती है, तो वहीं विधि महाविद्यालय में एक बार फिर चारों पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार विजय घोषित किए गए हैं। यहां पर अध्यक्ष पद का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के बीच बराबर मत आने के कारण टाई हो गया था, जहां पर लॉटरी के जरिए ABVP के उम्मीदवार को विजय घोषित किया गया है। यहां के सभी उम्मीदवारों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच उनके घर भेजा गया है, तो वहीं पराजित उम्मीदवारों को भी पुलिस सुरक्षा प्रदान कर उनके निवास स्थान पर भेजा गया। चुनाव परिणाम के दौरान सभी कॉलेज परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मैं बांगर कॉलेज में MSc की बहुत काफी टाइम से समस्या है और बांगर कॉलेज महाविद्यालय पाली जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जो बांगर कॉलेज में MSc नहीं है, ये बड़ी की बात है बांगर कॉलेज के लिए। हम सबसे बड़ा संघर्ष हमारा MSc के लिए होगा और बांगर महाविद्यालय में क्लास से नहीं लगना सबसे बड़ी समस्या ये भी है। हम क्लास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और सबसे प्राचार्य महोदय से और सबसे और महाविद्यालय में व्यक्तित्व की कमी है। हम सबसे महाविद्यालय के जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट लाके हम क्लास से लगाए बांगर महाविद्यालय में और सभी स्टूडेंट रेगुलर आए और बांगर महाविद्यालय में रेगुलर पढ़ाई चले। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।